जो पनीर फ्राई किया था वो पनीर दे देंगे इसमें। तो देखिए, अगर आप मैदे को बिना पानी से मिक्स करके अगर पनीर फ्राई करेंगे ना, तो ऐसा थोड़ा क्रिस्पीनेस आता है। तो पनीर फ्राई हो चुका है, तो अब इसको साइड कर लेंगे। सो हेलो दोस्तों, IFI किचन में आपका स्वागत है। तो आज जो रेसिपी है वो है आलू पनीर चिल्ली। तो देखिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लिया वो सब दिखा देता हूँ, आधा इंग्रेडिएंट्स दिखा देता हूँ और आधा इंग्रेडिएंट्स जो है आपको कुकिंग करते करते आपको दिखा दूँगा। तो देखिए, जो मेन जो बेस है ये पनीर लिया हूँ। पनीर को देखिए, सूखा जो मैदा है उसके अंदर रख दिया हूँ, गीला नहीं किया हूँ मैदा को, ताकि वो एकदम चिपचिपा हो जाएगा। और आप सूखा मैदे में इसको अच्छे से फ्राई करेंगे तो अच्छे से फ्राई भी हो जाएगा। तो देखिए, तो ये टेक्सचर है। और साथ में लिया है आलू, दो आलू काट के लिया है। इधर कैप्सिकम और प्याज को, कांदा को अच्छे से चॉपिंग किया है। और इधर स्प्रिंग ऑनियन और इधर अदरक लहसुन चॉपिंग किया है। तो चलिए फटाफट प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाता हूँ और कुकिंग करते जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभी सबसे पहले जो पोटैटो है, जो आलू है, उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आलू को दे देता हूँ। अब आलू को थोड़ा रेडिश होने तक फ्राई करेंगे थोड़ा सा। तो अभी आलू को ऐसे छोड़ देते थोड़ा, दो मिनट तक, ताकि अच्छे से गोल्डन ब्राउनिश हो जाए और अच्छे से पक भी जाए। तो देखिए, आलू अच्छे से फ्राई हो चुका है, रेडिश भी हो चुका है। तो अब इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए, आलू को अच्छे से फ्राई कर लिया है। देखिए, तो अब इसको थोड़ा रख देंगे। अभी जो पनीर लिया था वो पनीर फ्राई करेंगे। तो देखिए, पनीर का टेक्सचर देखिए अच्छे से, उसके अंदर जो मैदा अच्छे से चिपक भी गया है, तो ये फ्राई अच्छे से होएगा। मैदा पकड़ने के टाइम देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि हाथ में भी चिपक सकता है, तो ध्यान दीजिए। तो इसको भी फ्राई कर लेंगे लो फ्लेम में अच्छे से। तो देखिए दोस्तों, अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो देखिए, अगर आप मैदे को बिना पानी से मिक्स करके अगर पनीर फ्राई करेंगे ना, तो ऐसा थोड़ा क्रिस्पीनेस आता है। तो पनीर फ्राई हो चुका है, तो अब इसको साइड कर लेंगे। तो देखिए, अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो अभी सब पनीर साइड कर देते हैं। तो अभी मेन जो कुकिंग है वो करते हैं। तो सब कुछ रेडी हो गया, तो अभी जो चिली का है वो बनाते हैं। तो सबसे पहले अदरक लहसुन को फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, अदरक लहसुन फ्राई हो चुका है, तो अभी कैप्सिकम और ऑनियन दे देंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, अच्छे से फ्राई हो रहा है, तो अभी टेस्ट अनुसार नमक दे देंगे, थोड़ा सा अजीनोमोटो चाइनीज नमक। अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब जो पनीर फ्राई किया था वो पनीर दे देंगे इसमें। अब जो आलू लिया था वो भी दे देंगे इसमें। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें कॉर्नस्टार्च दे देंगे, जो कॉर्नफ्लोर बोलते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें दे देंगे थोड़ा सा सोया सॉस और थोड़ा सा चिली विनीगर। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें दे देंगे स्प्रिंग ऑनियन। अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
तो दोस्तों रेसिपी आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं सोचा कुछ यूनिक और हटके बनाया जाए आज भी, तो मैं ये रेसिपी लेके आया। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा तो आप भी ट्राई कीजिए, आप भी बना के खाइए कि कैसा टेस्ट आता है, और अपने जो गेस्ट आते हैं या घर पे मेंबर्स रहते हैं उनको भी खिलाइए और रिव्यू लीजिए कि कितना अच्छा बना है, कैसा बनता है, कैसा टेस्ट है। तो अभी जो चिल्ली में बनाया वो मैं खा के आपको बताता हूँ कैसा टेस्ट है कैसा नहीं है। तो देखिए ये चिल्ली है, तो दोस्तों इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, बहुत क्यूजिन का भी अच्छा, जो चाइनीज़ का क्यूजिन है उसका भी टेस्ट अच्छा आ रहा है। तो आप भी घर पे ट्राई कीजिए, आप भी खाइए और बताइए कैसा बना है, और कमेंट करके मेरे को बताइए कि कैसा रेसिपी था, कैसा डिश था, कैसा लगा आपको। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ कोई नया रेसिपी के साथ, कोई नया वीडियो में, कोई नया इंग्रेडिएंट्स के साथ, कोई नया डिश के साथ, या कोई नया यूनिक रेसिपी के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।